पाइयां वो बिरयानी खाने लगे। थोड़ा करना था और गैस चली गई, अब क्या करूं। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और जॉब से मैं आ गई हूँ। आज सैटरडे है और आज है हमारी चांद रात। तो मैं सलून से आ गई हूँ और मैंने मेहंदी भी लगवा ली है, तो आपको दिखाऊंगी मैं मेहंदी की भी वीडियो दिखाऊंगी मैं मेहंदी की भी। और ऑयलिंग कर ली है मैंने, अब सारे काम करके सारी तैयारियाँ करके जो है वो नहाएँगे। और यहाँ बना रही हूँ मैं तहरी बना रही हूँ, क्योंकि अब कल के खाने की तैयारी करनी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी जो है रात के लिए चावल बना लूँ आलू के। तो बाकी अब कल क्या बनाना है अभी अम्मी आती हैं तो डिसाइड करते हैं। तो कल का व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आज की रूटीन भी, क्या चांद रात है और हम क्या क्या करेंगे। तो आपसे आप लोगों ने कनेक्ट ही रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर और कॉमेंट करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, तो साथ ही बने रहिए। हाँ, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, मेहंदी लग रही है कमल के हाथों पे। देखें ज़रा आप लोग कैसी लग रही है आप लोगों को मेहंदी, अगर अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। और यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लास्ट फिंगर रह गई है। तो कैसी लगी मेहंदी आप लोगों ने बताना है कमल की। अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लगवाऊँ, तो देखते हैं लगवाती हूँ कि नहीं। जी स्टार्ट कर दी है रूसा ने मेहंदी और फाइनली मेरे मेहंदी लग गई है। कैसी लगी है? मुझे ऐसी ही पसंद है, ज़्यादा भरी भरी नहीं पसंद, क्योंकि जब उतरती है तो बहुत बुरी लगती है मेहंदी। जी मैंने नहा लिया है और ओहो गैस, अम्मी गैस चली गई। और यहाँ मैं बना रही हूँ शीर कोरमा और गैस चली गई है। तकरीबन जो है कम्प्लीट ही हो चुका है, ये देखें कम्प्लीट हो चुका है। ड्राई फ्रूट वगैरह डालने थे और गैस चली गई। एक तो गैस जो है ना कोई काम नहीं करने दे रही, ना ढंग से पकाया जा रहा है, ना ही जो है ना कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या बनाए जो जल्दी बन जाए और गैस के होते होते ही बन जाए। अब देखें शीर कोरमा बना रही हूँ और बीच बनते ही जो है ना वो गैस चली गई। थोड़ा सा ही रह गया, अब ये थोड़ा सा और गाढ़ा करना था और गैस चली गई। अब क्या करूँ, ये आधा ऐसे ही रखूँ, अब पता नहीं कब आएगी गैस। अब गैस का इंतज़ार किया जा रहा है, गैस आए तो बाकी का काम हो। और चर्च का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि आज जो है वो पेशारती इबादत होगी कैथलिक वालों की, अभी तो हो रही है, और हमारी होगी अर्ली मॉर्निंग होगी सुबह 4 बजे सनराइज़ की। तो आज की रात आपके साथ शेयर करेंगे, चांद रात है और चांद रात को हम क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट करें। और यहाँ जो है वो बिरयानी आ गई है, अभी बिरयानी खाने लगे। वैसे तो मैंने चावल बनाए हैं आलू के और अभी जो है वो बिरयानी खाने लगे। टाइम हो रहा है 9:30 का। और मेहंदी कैसी लग रही है मेरी? मैंने 2 साल बाद मेहंदी लगवाई है दोबारा। और ये जो है जुलूस अभी कैथलिक वालों का हो रहा है सनराइज़ की प्रे का। अच्छा लग रहा है, हमारा भी होगा, हमारा जो है सुबह होगा। और यहाँ टाइम हो गया 12 बजे का और समझ लें कि दिन चांद रात जो है अब सही से शुरू हुई है। सब अपने अपने काम कर रहे थे और अब चांद रात हमारी सही शुरू हुई है। और यहाँ देखें अब काम हो रहा है भाई, यहाँ इनकी तैयारी हो रही है। मैंने तो सिर्फ मेहंदी लगाई है, नहीं नहीं मैं किसी का चेहरा नहीं लाऊंगी। एक तो व्लॉगिंग में जो है ना ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि दूसरे का चेहरा ना आए। और यहाँ मूवी भी देख रहे साथ साथ। मेरा शीर कोरमा जो है वो आधा ही बना है, अब बाकी जो है वो सुबह गैस आएगी तो तभी बनेगा, क्योंकि गैस नहीं है ना चाय बनेगी। और ये देखें थोड़ा सा मतलब रह गया है, इसको थोड़ा सा और पकाना था, गाढ़ा करना था, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब इबादतें शुरू हो गई हैं और हम भी जाएंगे मॉर्निंग की इबादत अटेंड करेंगे, तो आपको दिखाएंगे। हो रही है सफाइयाँ, देखें रिजल्ट देखें। हाँ ये मैल कितनी निकली है, कॉलर में तंग कर मारती है। हमने घर में ही कॉलर खोल लिया है ना इसीलिए, ताकि जो है हम रिलैक्स होकर काम करें। और ये देखें ये एक और आ गई है, और इन लोगों की जो है ना ईद की तैयारियां हो रही है। ये देखें ये इसकी चुटिया ब्रेड्स बन रही है इसकी, और सुबह इसने जो है ना इसको वेवी लुक देना है, कर लिया। और ये भी हमारी एक बहुत फेमस टिकटॉकर इंस्टाग्रामर, हाय कर दो, आईडी मेंशन करूंगी पहले, हाय तो कर दो। और कौन सा डे है हमारा? ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। नो डोंट से ईस्टर,
क्या कहते हैं उर्दू में बोल दो, क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं? ईद क़यामतुल मसीह मुबारक, ईद क़यामत बस। लोगों को शर्म नहीं आ रही, ये लोग अपनी सर्विसेज करवा रही हैं। हाय कर दो। हाय। ये पहली बंदी है जो मेरे व्लॉग में आना चाह रही है और ये तो बहुत फेमस है, इसको पहचान ले आप। और ये हमारा शीर कोरमा अब जैसा भी बना था पतला अब बन गया और मेहमान भी आ गए, दो बज गए और अभी गैस आई है। गाढ़ा कर ले, खाते मैं गाढ़ा कर। ये देखे क्या हो बस। और यहाँ रात के 2:30 बज चुके हैं, 2:30 भी नहीं बल्कि 3 बजे का टाइम हो रहा है। और आज का व्लॉग यहीं तक का था। चांद रात में हमारी यही सारी रूटीन होती है, कैरल्स वगैरह आती हैं, प्रेयर्स होती हैं। और कल मैं आपको ईद क़यामतुल मसीह का भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था, बहुत जल्द मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरी तरफ से तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईद क़यामतुल मसीह बहुत 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 मुबारक हो।